दोस्तों अगर बात करते हैं यार वन प्लस की, वन प्लस का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर दस्तक देने वाला है एंड साथ ही दोस्तों उसी का एक लाइट वेरिएंट भी यानी कि वन प्लस 11R भी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। अगर हम वन प्लस 11 5G की बात कर लें तो ये वन प्लस का जो है फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है 2023 का एंड ये आपको 7 फरवरी को इसका लॉन्च जो है इंडिया के अंदर होने वाला है। मैं इससे पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ तो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, साथ ही मैं इसका लिंक भी पोस्ट कर दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहे तो वो वाला वीडियो दे सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं आज हम यहाँ पर इसके लाइटर वेरिएंट की वन प्लस 11R की, तो इसकी जो प्राइसिंग है एंड इसके स्पेक्स वगैरह हैं वो निकल के आ चुके हैं यानी कि लीक हो चुके हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों स्मार्टफोन्स लॉन्च होने से पहले काफी कुछ सामने आ जाता है तो वो चीज एक देखने लायक हो जाती है यार। एंड इसी के बीच तो यहाँ पर जो इसके जो स्पेक्स एंड प्राइसिंग है वो निकल कर आ चुकी है एंड काफी ज्यादा प्राइसिंग यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही देखेंगे यार कि OnePlus 10R के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने मिलता है, तो आइए जानते हैं इसी वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेगा, चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर OnePlus 11R की, तो ये जैसे कि बताया कि OnePlus जो 11 5G यहाँ पर ये उसी का एक लाइट वेरिएंट होता है, जैसे कि पिछली बार यहाँ पर OnePlus ने 10R लॉन्च किया था एंड वहां पर देखा है तो हमें Dimensity 8100 चिपसेट यहाँ पर दिया गया था एंड जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन था। एंड अगर उसकी प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते तो वो अभी जो है आपको 34-35 हज़ार रुपए की प्राइसिंग पर देखने मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है एंड जो लोग भी यार OnePlus का एक्सपीरियंस करना चाहते तो वहां पर वो लोग जा सकते हैं। हालांकि वैसे भी और भी कम डिवाइस सबको मिल जाते हैं, कम प्राइस पर मिल जाते हैं, लेकिन एक मतलब एक बोलेंगे कि यार जो फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस होता है तो वो आप उस फोन के साथ कर सकते हो। एंड साथ ही अगर इस बार देखा है तो OnePlus 11 जो R जो है यानी कि वो इस बार स्नैपड्रैगन के 8+ Gen 1 के साथ दिखने मिलने वाला है एंड ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल स्मार्टफोन होना क्योंकि जो इसकी प्राइस लीक होकर आई है अगर उसको हम यहां पर देखते हैं तो 8+ Gen 1 दिखने मिलने वाला है, जो कि एक बोलूंगा यार काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है एंड वो आपको यहां पर देखने मिलना है। एंड OnePlus 11 के अंदर जो आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट वहां पर देखने मिलने वाला है, जो कि स्नैपड्रैगन यानी क्वालकॉम का फ्लैगशिप चिपसेट है एंड यहां पर आपको 8+ Gen 1 देखने को मिल रहा है। तो देखा है तो पिछली बार के कंपेरिजन में यहां पर काफी ज्यादा अच्छा अपग्रेड हमको देखने मिल जाता है। एंड वही अगर बात करें डिस्प्ले की तो इस बार आपको यहां पर 6.7 इंच का जो है यहां पर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है। साथ ही आपको पंच होल के साथ यहां पर ये मिल जाता है, बाकी यहां पर गोरिल्ला ग्लास वगैरह की प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए डिस्प्ले के अंदर भी यहां पर इंप्रूवमेंट किया गया है, पिछली बार आपको यहां पर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिला था एंड इस बार आपको 1.5K डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है, तो इसमें भी यहां पर इंप्रूवमेंट किए गए हैं तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। एंड वही अगर बात करते हैं यहाँ पर हम कैमरा सेटअप को लेकर, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा रहेगा IMX766 एंड साथ ही 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। बस यही कैमरा दोस्तों यहाँ पर एक यूजलेस कैमरा हमको यहाँ पर लगता है एंड जो कि यार OnePlus को मेरे ख्याल से अब इसको रिमूव कर देना चाहिए एंड अदर ब्रांड्स को भी यहाँ पर मैं बोलूँगी कि यार इस कैमरे को यहाँ पर हटा के भले ही आप 2 कैमरे कीजिए, जैसे कि नथिंग ने यार काफी अच्छा काम किया है, वहां पर आपको 2 कैमरे केवल देखने मिलते हैं, कोई भी फालतू का कैमरा नहीं मिलता है वहां पर, तो वो चीज़ यार सभी ब्रांड्स को यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए यहाँ पर। एंड तो बात करते अगर यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरे की, तो आपको 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो अगर इमेज क्वालिटी की बात करते हैं तो यार OnePlus की जो ऑप्टिमाइजेशन रहती है वो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब अगर देखा है तो यार आज के समय में देखें तो यहाँ पर हाँ इमेज प्रोसेसिंग इनकी जो है अच्छी रहती है एंड मैं ये नहीं बोल सकता कि यार जो है एवरेज इमेज आती है, लेकिन हाँ अच्छी खासी आपको क्वालिटी इनके अंदर देखने मिल जाती है एंड लो लाइट में भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की, तो आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, साथ में आपको यहाँ पर 100W की फास्ट चार्जिंग का जो है ऑप्शन मिल जाता है एंड चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन गौर करने वाली बस तो बात यहाँ पर ये है कि पिछली बार जब OnePlus का यहाँ पर 10R लॉन्च हुआ था तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे, एक तो 80W का दिया गया था एंड दूसरा था 150W का। तो यहाँ पर देखा है तो यार ये चीज़ हमको थोड़ी सी खलने वाली है कि पिछली बार के कंपेरिजन में बैटरी के मामले में देखा है तो यार यानी कि जो फास्ट चार्जिंग मिल रही है उसमें
डाउनग्रेड चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं एक चीज़ देखी जाती है यार, परफॉर्मेंस के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है वहाँ पर, तो मे बी यहाँ पर कुछ कॉस्ट कटिंग यहाँ पर देखने मिल जाती है, तो आपको 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग कुल मिला के मिलने वाली है। साथ ही अगर देखा तो बात करते हैं हम एंड्रॉयड की, तो ये जो है आउट द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ आने वाला है एंड ऑक्सीजन ओएस का यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट वर्जन देखने मिलने वाला है। बात करते हैं अगर इसके अलावा हम यहाँ पर इसके रैम एंड स्टोरेज ऑप्शन की, तो इस बार क्या है कि यहाँ पर आपको 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन भी मिलने वाला है, यहाँ पर 12GB रैम का जो ऑप्शन है वो अभी बताया जा रहा है कि स्किप हो चुका है, एंड उसके बाद सीधा 8 के बाद 16GB रैम का ऑप्शन देखो मिल जाएगा एंड हायर स्टोरेज आपको 256GB की यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी बताई जा रही है फिलहाल के लिए, एंड बाकी दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या सीन रहने वाला है यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज वगैरह, क्योंकि एक हायर वेरियंट यहाँ पर 16GB रैम के साथ आने वाला है वन प्लस 10R के अंदर। तो देखा है तो स्पेक्स वगैरह यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिल जाते हैं, बाकी स्टीरियो स्पीकर वगैरह आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे एंड 5G रहने वाला है, तो ये तो सीधी सी बात है यहाँ पर। तो देखा है तो यार जो फीचर्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड यही बोलूँगा कि यार ये वन प्लस की तरफ से एंड इस चिपसेट के साथ आने वाला काफ़ी अफोर्डेबल स्मार्टफोन रहने वाला है। अगर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जो इसका प्राइस लीक होकर आया है, बताया जा रहा है इसको यहाँ पर कि इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर 35,000 से 40,000 रुपए के बीच यहाँ पर रहने वाली है, जो कि देखा है तो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस होगी यहाँ पर, एंड इस प्राइस पर यार 8 Plus Gen 1 मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है, एंड वो भी इसको आपको यहाँ पर वन प्लस की तरफ से, तो ये एक यहाँ पर बड़ी बात हो जाती है। तो देखा है तो यार फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हो वन प्लस 11R के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर 11 5G लॉन्च होने वाला वो एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन रहेगा, तो उसकी यार प्राइसिंग आप मांग के चलिए काफी ज्यादा रहने वाली है, यानी कि वही मांग के चलिए जो है 55 से 60 हजार रुपए के बीच यहां पर इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। तो वही चीज देखने की होती है कि अगर जो भी यहां पर वन प्लस का एक्सपीरियंस करना चाहता है यहां पर एक मिड रेंज के अंदर, यहां पर बोले तो मिड फ्लैगशिप रेंज के अंदर, तो वहां पर आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। हालांकि इसको आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर सोचा कि यार वन प्लस 10R का जो डिजाइन था पिछली बार जो इन्होंने पेश किया था वो आपको यार कैसा लगा था कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। फिलहाल के लिए अभी देखा है तो इसका डिजाइन वगैरह यहाँ पर लीक होकर आ चुका है, एंड ये डिजाइन थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर वन प्लस जो 10 उन्होंने लॉन्च किया था जो फ्लैक्सी वाला, उससे थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ लगेगा आपको यहाँ पर। तो आप लोग बताएंगे कि यार पिछला वाला डिजाइन आपको यहाँ पर कैसा लगा था वन प्लस 10R का कमेंट बॉक्स में। फिलहाल तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड पसंद आया हो यार जरूर से लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यार मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।